नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुंदरिया में बीते दिन हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने करीब 48 घंटे में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। विवेचक राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि बीते दिन ग्राम मुंदरिया में शिवनंदन सिंह बाइक और दो मोबाइल आरोपियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बाइक बरामद कर ली गई, वहीं दो मोबाइल जब्त करना अभी बाकी है। गौरतलब है कि उक्त मामले का एक आरोपी अभी पुलिस पकड़ से दूर है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से जांच की जा रही है। तारीख की रात में 10-11 बजे के आसपास अपने रिश्तेदारी से अपने घर जा रहे थे, तो उमरदू तिराहे के पास, उमरदू मोड़ के पास तीन लोग आए और तीन लोगों ने उनको रोका। ये दो लोग थे, इन लोगों को रोका और इनकी मोटरसाइकिल और दोनों लोगों की मोबाइल छुड़ा लेते छीन लेते। रात में उजियारे के कारण इन्होंने शिवनंदन सिंह ने तीनों लोगों को पहचान लिया था, उसमें से एक का नाम उन्होंने सोनू रैदास, दूसरे का नाम विकास रैदास और तीसरा नाम पप्पू मुसलमान बताया था। ये तीनों नौरोजाबाद के निवासी उन्होंने कराए थे। उनकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 376/19 धारा 392 का कायम कर योजना में लिया गया था। आज दिनांक को टीम के साथ नौरोजाबाद गए थे, वहाँ पर हमने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सोनू चौधरी निवासी कुदरी मोहल्ला नौरोजाबाद एवं विकास कुमार रैदास कुदरी मोहल्ला नौरोजाबाद। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।